नमस्कार दोस्तों, मेरे उसी वीडियो पे जिसमें मैंने क्लियरली बोलना और क्लियरली उच्चारण करना सिखाया था उस पर एक कमेंट आया है एक दोस्त का। वो पूछ रहा है कि सर मेरी हेल्प कीजिए, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो सामने वाला कहता है कि दोबारा बोलो क्या बोला है। दिक्कत सर ये है कि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ और शब्दों को भी साफ साफ नहीं निकाल पाता हूँ, प्लीज सर मेरी हेल्प कीजिए। शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। जो भी आप हैं बिल्कुल इस तरह की प्रॉब्लम कई लोगों को फेस होती है, और मैंने आपको लिखा था कि आप मुझसे पर्सनली फ़ोन पे बात कीजिए। और जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी, मैं आपसे पहली बार ज़िंदगी में फ़ोन पे बात कर रहा था और आप मेरे से ज़िंदगी में पहली बार फ़ोन पे बात कर रहे थे। पूरी बातचीत में मैंने आपसे एक बार भी नहीं पूछा कि आपने क्या बोला, यानी जब आप फ़ोन पे मेरे से बात कर रहे थे तो आप साफ बोल रहे थे। तो ये जो दिक्कत है ये एक साइकोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेसिंग करता है, बहुत ज़्यादा विचार उसमें आते हैं और बहुत तेज़ी से हम सारी बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारा वोकल सेक्शन उसका साथ नहीं दे पाता। तो क्या होता है कि हमारे शब्द लड़खड़ा जाते हैं, हमारी जीवान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा है, जल्दी से बोलना चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, जल्दी से बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोकल सेक्शन इतनी जल्दी नहीं बोल पाता है ना, लेकिन दिमाग की गति सोचने की और समझने की बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि कई बार हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी बात सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि और ज़्यादा शब्दों की बौछार करना चाहते हैं और ज़्यादा तेज़ी से बोलना चाहते हैं कि कहीं आदमी के बोर होने के पहले ही हम अपनी बात पूरी ना कर पाएं। इस डर से हम तेज़ी से बोलते हैं, जल्दी जल्दी अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, कम समय में हम ज़्यादा तेज़ी से बोलकर बहुत ज़्यादा बातों को रखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सारी गड़बड़ हो जाती है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं। जब आपने मेरे से फ़ोन पे बात की थी मैं आपको बिल्कुल ठीक से सुन रहा था, और आपने जब मेरे से फ़ोन पे बात की थी आप मेरी बात भी सुन रहे थे, और आपने एक बार मुझसे भी नहीं पूछा कि सर आप क्या बोल रहे हैं फिर से रिपीट करिए, ना ही मैंने आपको बोला कि आप क्या बोल रहे हैं फिर से रिपीट करिए। इसका मतलब आपके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके बात करने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो जब ज़िंदगी में पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं तो आपकी बात समझ ही नहीं पाता कि आप क्या बोल रहे हैं, और वो भी फ़ोन पर, कभी मैंने आपको सामने आमने देखा नहीं। पर इतना सब होते हुए भी पहली बार में, पहली बातचीत में मैंने आपकी सारी बात समझी, आपने मेरी सारी बात समझी, एक अच्छी हमारे बीच में अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। इसका मतलब आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके वोकल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। नहीं, फिजिकली वोकल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने आपसे इस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर लीजिए, आप सिर्फ उस पर काम कीजिए और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।